नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। तो वो हमारी खास पेशकश में बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जयपुर में पनपे हिजाब विवाद की। जयपुर में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान का विरोध करते हुए मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आई हैं। छात्राओं ने सुभाष चौक थाने का घेराव करते हुए हवा महल विधानसभा से विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का आरोप है कि स्कूल के एनुअल फंक्शन में स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया गया था, जहां उन्होंने हिजाब को लेकर टिप्पणी की है। वहीं इस दौरान छात्राओं के साथ साथ उनके परिजन और अन्य लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। विधायक रफीक खान समेत कांग्रेसी नेताओं ने मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। कांग्रेस नेता आर तिवारी, पप्पू कुरैशी समेत अन्य नेताओं ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्राओं का साथ दिया, उनका समर्थन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने विधानसभा में भी हिजाब का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिसे राजनीतिक गहमागहमी बन गई। वहीं मामले पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा, राम मेरे आदर्श हैं, मैं हर काम की शुरुआत उनके नाम से करता हूं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कहा कि मैंने प्रिंसिपल से पूछा था कि क्या स्कूल में दो तरह की ड्रेस कोड है, मुझे हिजाब और बिना हिजाब के दो तरह का माहौल नजर आया। तो सरकारी स्कूल का एक तय ड्रेस कोड होता है, वैसे ही होना चाहिए। सभी धर्म के बच्चों को स्कूल के ड्रेस कोड के हिसाब से आना चाहिए। और कहा कि बच्चियों को भारत माता की जय बोलने को कहा गया था, इसमें क्या गलत है। इसके बाद मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना भी बाल मुकुंद आचार्य के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि अनुशासन के लिए जरूरी है कि सभी छात्र छात्राएं एक ड्रेस में आए, और कहा कि मैं खुद ड्रेस कोड को लेकर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। वहीं 7 घंटे हिजाब विवाद को लेकर चले प्रदर्शन को समझाइश के बाद खत्म कर दिया गया। लेकिन इन सबके बीच कई सवाल उठते हैं, हिजाब पर हंगामा क्यों बरपा है? क्या कुछ लोग शिक्षा के मंदिर में भी धर्म को लेकर हिजाब अलाउ करना चाहते हैं, और शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुस्लिम क्यों? क्या हिजाब की आड़ में विधायक बाल मुकुंद आचार्य को निशाना बनाया जा रहा है? वहीं बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब स्कूल में कंगन मंगलसूत्र पर रोक है तो हिजाब पर छूट क्यों है? इन सबके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं, जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे हम हिजाब विवाद को लेकर चर्चा करेंगे। करें उससे पहले हम आपको वो बयान सुनवाते हैं जहां पर बीजेपी अरे साहब, यहाँ तो आपने कर रखा है कि माहौल ये लग रही थी, आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो आप, तो फिर आपको कैसे आना पड़ेगा? क्या थोड़ा लेट हो गया, आप स्कूल में तो बंद करो, आप बंद कर बच्चियों को मैडम प्रयास करके दोबारा मैं तो हाँ नहीं दोबारा आपका निर्णय क्या करा रखा है अब हम आपको बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है, सुनिए। देखिए, मेरे इष्ट है प्रभु राम श्री हनुमान जी, मेरे स्वभाव में मैं किसी से अभिवादन भी करता हूँ तो जय श्री राम या जय श्री बालाजी ये करके ही करता हूँ, मेरा स्वभाव है। मैं हलवाई नहीं करता, 99% मेरे मुख से यही निकलता है। मेरा उद्बोधन भी प्रारंभ करता हूँ तो मेरा मंगलाचरण करता हूँ,
भगवान का नाम लेता हूँ और भगवान की जय बोल के करता हूँ। मैं सभी जगह ऐसा करता हूँ, मेरा स्वभाव है। एक तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये मेरी निजी अपना भाव है कि मैं इनको इष्ट ध्यान देने बोलता हूँ। दूसरी बात, विद्यालय में मैंने विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम दो प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ, जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो दो प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं हैं। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो दो प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चे बच्चियाँ कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है, और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है, इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था। और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने, जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है, जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है, स्कूल होता किस लिए फिर? नियम सिखाने के लिए। और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो बना रखा था, वो थोड़ा सा विचार नहीं है। भारत माता की जय गलत है। मैंने कहा हम सब मिलकर भारत माता की जय बोलें, उनको ये भी समझाया कि भारत ये देश है, माता ये धरती है, जिस धरती पर आप और हमारा रहना है वो हमारी माँ की भी माँ है, तो इसका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। सरस्वती का स्कूल है, सरस्वती की मूर्ति लगी है, सरस्वती की अर्चन हुई है, दीपक जलाया गया है, सरस्वती का अर्चन करेंगे, सरस्वती का श्लोक बोलेंगे, उस पर भी आपत्ति है? भाई ये क्या बात हुई? वो विद्यालय जो है, उस विद्यालय में सबके लिए नियम बराबर है साहब। आप विद्यालय में सरस्वती की प्रार्थना नहीं करोगे, आप विद्यालय में आप अपने देवता का स्मरण करते हुए पाठ, तो कल को बुक्स भी हटवा देंगे, बुक्स भी बदलवा देंगे, बुक्स। तो वहीं अब हम आपको हिजाब विवाद को लेकर आई प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, सुनिए। धर्म की कट्टरता है और उसके कारण जो सरकार है विशेषकर कांग्रेस की, वो तुष्टिकरण करती है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनमें शिक्षा की कमी है, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और मुस्लिम समाज को प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए, बल्कि उनकी सोच जो है क्राइम्स में ज़्यादा जा रही है। और जो स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू होता है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल के न तो अनुशासन रहेगा, या तो फिर किसी भी वेशभूषा में ड्रेस में बच्चे बच्चियां जाएंगे तो ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है, इसलिए स्कूलों में ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया। सरकार आदेश यहाँ पे भी कुछ निकालेगी तैयारी इसकी? आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं मुख्यमंत्री जी को जानकारी लाऊंगा, क्योंकि हमारे एक विधायक ने जाके ये मामला उठाया है, तो गलत है कि ड्रेस कोड पुलिस में भी होती है, स्कूलों में भी होती है। ऐसे तो कोई थानेदार कुर्ता पजामा पहन के जाके थाने में बैठ जाएगा, धोती कुर्ता पहन लेगा। देख सकते हैं हम यहाँ जयपुर में सुभाष चौक पे आए हुए हैं,
यहाँ पर लड़कियाँ इकट्ठी है, मुसलमान लड़कियों को, जो बाबा मुकुंद आचार्य है जो अभी हाल ही में एमएलए बना है, जो कि खुद एक भगवा रंग का कपड़ा पहन के घूमता है विधानसभा में, अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है, वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चियों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चियाँ हिजाब नहीं पहनेंगी। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है, ये लोग इनकी मर्जी मन मर्जी कब तक चलेगी, ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं, और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे तो अब राजस्थान में हिजाब विवाद गरमाने लगा है और इसी पर बड़ी बहस में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बीजेपी नेता हुसैन खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। कांग्रेस नेता परोश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाज सेवी पप्पू कुरेशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं परोश भारद्वाज जी आपसे जानना चाहूंगी, एक यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है सर? परोश जी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए कांजी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारत जो देश है ये विविध अलग परिपाटी है और हर धर्म की एक अलग परिपाटी है और हर जाति की एक अलग परिपाटी है और सभी को भगवान करने के लिए संविधान द्वारा जो है छूट प्राप्त है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए तो फिल्मों को हिट कराने के लिए उसमें जो है अश्लीलता परोसी जाती है, सेम पर जो पैटर्न होता है वो राजनीति को, जब आप शिक्षा पे बात नहीं कर सकते, जब आप चिकित्सा पे बात नहीं कर सकते, जब आप औद्योगिक विकास पे बात नहीं कर सकते तो आप लेकर के आते हैं ताकि आप चर्चा में बने रहे, विवाद बने रहे। मतलब क्या होता है सर, बहुत ही सरल सा जवाब, यूनिफॉर्म का मतलब बता दीजिए। हुसैन जी देखें, आज आप भारतवर्ष में किसी भी उच्च शिक्षा की या किसी भी एक ऐसी स्कूल में जाएं जहां पर नामी ग्रामी स्कूल हो और वहाँ ड्रेस कोड नहीं होता होगा और हजारों की तादाद में मुस्लिम बच्चियाँ वहाँ पढ़ती है और उनको किसी टाइप की कोई तकलीफ नहीं होती है। आज बच्चियाँ आर्म फोर्स में जा रही है, एयरफोर्स में काम कर रही है, पुलिस ज्वाइन कर रही है और अनेक ऐसे गवर्नमेंट के जो महकमे हैं उनको ज्वाइन करती है जहाँ पर पुलिस कोड होता है और बच्चियाँ उनको फॉलो भी करती है। बाल मुकुंदाचार्य जो हमारे माननीय विधायक है उनका केवल इतना सा कहना था कि स्कूल में अगर ड्रेस कोड हो और अगर एक जैसी यूनिफॉर्म हो तो वो ठीक लगेगी, बाकी उनका कोई शिक्षा को लेकर के या कोई बच्चियों पर कोई अन्य टाइप की कोई बात कहना ऐसा उन्होंने नहीं कहा। हम ये कहते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली है 2014 के बाद में, मैं ये कहता हूं कि जो मुस्लिम बच्चियों का जो ड्रॉप आउट है वो 20% कम हुआ है। कोई टाइम था जब बच्चियों का जो स्कूल का जो ड्रॉप आउट था 10 क्लास तक वो 70% तक था, यानी 10 क्लास तक बच्चियां पढ़ती और 70% बच्चियां फिर स्कूल ही नहीं जाती थी जी। और उच्च शिक्षा में पहुंचते बच्चियों का प्रतिशत 2% भी नहीं रहता। आज इस देश के अंदर में 48% अल्पसंख्यक समाज के लोग शिक्षित है, उसमें बच्चियों की संख्या अगर हम बात करेंगे तो वो 10-15% भी नहीं बनती है। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिम बच्चियों की भले की बात सोचती है। 3 तलाक का कानून आया माननीय प्रधानमंत्री जी लाए, आज 70-80% 3 तलाक के कानून आने के बाद में तलाक के जो केस है कम हो गए हैं, तो ये बच्चियों को मुस्लिम बच्चियों को फायदा हुआ जी। ये किसको फायदा हुआ? हज पर पहले जब कोई महिला मुस्लिम महिला हज पर जाना चाहती थी तो उनको किसी न किसी अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाना पड़ता था, उनके बिना वो नहीं जा पाती थी। आज जब कानून बना
एक इंजीनियर लड़की, एक डॉक्टर लड़की या अन्य प्रोफेशनल लड़की वो अकेली जाने की कैपेसिटी रखती है, उसको किसी की सारे की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री जी ने एक कानून बनाया कि अब ये बच्चियां बिना किसी के साथ के भी हज जा सकती है। अगर वो किसी के साथ अब भी जाती है तो कोई उसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, ठीक है, अकेला भी जाना चाहे तो वो जा सकती है। तो हजारों की तादाद में बच्चियों ने हज जाने का फायदा उठाया। तो हम ये कहते हैं कि बात हमें शिक्षा की करनी है, उच्च शिक्षा किस तरीके से प्राप्त करें, किस तरीके से उनका जीवन स्तर ऊपर हो, ऊपर जाए जी। बिल्कुल, हमें शिक्षा की बात करनी है। पप्पू कुरैशी जी का रुख करना चाहूंगी। पप्पू कुरैशी जी, शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुस्लिम करना कितना वाजिब है, कितना सही है सर? मैम, ये सवाल तो जो हमारे सबके विधायक हैं ओएमएल के, बाल मुकुंद आचार्य जी से, उनसे पूछना चाहिए कि शिक्षा के मंदिर में जाकर के ये ऐसी बातों का उपयोग करना, ऐसी चीज, ठीक है सर? फिर आप मुझे यूनिफॉर्म का मतलब बता दीजिए। एक बात, आज के ये जो प्रोग्राम था मैडम, ये एनुअल प्रोग्राम था। अच्छा, ड्रेस कोड का यहाँ लागू होता ही नहीं है, एनुअल प्रोग्राम था और यहाँ अपनी इच्छा से अपने ड्रेस, अपने कपड़े अपने पहन के जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं था। और मैं बात करता हूँ, बाबा बाल मुकुंद आचार्य जी जब से विधानसभा जीते हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने शपथ नहीं ली थी, शपथ नहीं ली उससे पहले से ही वो कहीं ना कहीं विशेष समुदाय को लेकर बात करते आए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा, 3-4 दिन पहले भी उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय द्वारा परकोटे पर अतिक्रमण किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य जी अगर विशेष समुदाय ना कह करके अतिक्रमणकारी कहते तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि विशेष समुदाय परकोटे में अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, वहां तो सब लोग कर रहे हैं, सिंधी भी हैं, जैनी भी हैं, पंजाबी भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और अतिक्रमण क्या है, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, रोजी रोजगार कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसी यही हर चीज में विशेष समुदाय को लाना, टारगेट करना, चाहे मीट मुर्गे अंडे मच्छी को लेकर के बात हो, चाहे आप ये बताइए एनुअल प्रोग्राम में स्कूल के में, ठीक है, इसमें कोड पप्पू कुरैशी जी, मैं आपको बता दूं कि जब स्कूल के प्रिंसिपल से बाल मुकुंद आचार्य जी ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो छात्राएं हैं वो इसी तरह से इसी यूनिफॉर्म में आती हैं। ये प्रिंसिपल का कहना है पप्पू जी। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं अभी उसके आगे पीछे पे नहीं जा रहा, मैं उस दिन पॉइंट की, मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ। जो जिस स्पोर्ट पे उन्होंने जाके इस पे आपत्ति जताई, वो स्पोर्ट स्कूल के दिन का था ही नहीं, वो एक एनुअल प्रोग्राम था और एनुअल प्रोग्राम में किसी चीज की बंदिश नहीं होती है। लेकिन पप्पू जी, जब प्रिंसिपल का ये कहना है कि आगे पीछे भी मुस्लिम छात्राएं इसी तरह के कपड़े पहनती है, तो फिर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? बाल मुकुंद आचार्य जी ने तो ये कहा है ना कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए सबकी, इक्वल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, यूनिफॉर्म एक ही होती है, खाली हिजाब में जाती है बच्चियां, और हिजाब में जाना कोई गलत नहीं है। और हमसे आज अगर हमसे कोई हमारे ऊपर ये टिप्पणी करता है कि हम भी सिंदूर और टीका लगा के भेजें या घाघरे पहना के भेजें, तो देखिए अपना अपना पहनावा है, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। और हिजाब का मतलब खाली इस्लाम या शरीयत से ही खाली नहीं, बल्कि एक सुरक्षा भी है। आजकल किसी भी समाज की देख लो बच्चियां, खासतौर पर चेहरा ढक करके निकलती है घर से, तो उसका मतलब हिजाब ही नहीं है, सुरक्षा भी है चेहरे की। अच्छा, ठीक है, हुसैन खान जी आप क्या कहेंगे सर? देखें, ऐसा है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर में आप कहीं पर भी जाएं, उस स्कूलों के अंदर में ड्रेस कोड होता है और बच्चे एक जैसी ड्रेस पहनते हैं। वहां कोई बच्चा ना पैसे वाला दिखना चाहिए ना गरीब दिखना चाहिए, वो एक जैसी ड्रेस पहनता है। तो ये अपने स्कूल के नियम कायदे भी होते हैं और वो नियम कायदों के ऊपर में बच्चों को चलना पड़ता है। देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे माननीय विधायक जी ने केवल ड्रेस की तो बात की है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बच्चे स्कूल नहीं आना चाहिए, बच्चे यहाँ पढ़ नहीं सकते, उन्होंने ड्रेस की बात नहीं की। आप रिकॉर्डिंग, अगर आप ड्रेस की बात नहीं है, ड्रेस कोड में आएंगे, ड्रेस कोड तो फॉलो करना पड़ेगा, ड्रेस कोड अलग है, आप अच्छा लगेंगे, हिजाब अलग है, ड्रेस कोड अलग है। अगर दिखते हैं, आज हम एनसीसी में जाते हैं स्कूल में, हमारी ड्रेस होती है एनसीसी, मैडम हिजाब अलग पार्ट है, ड्रेस होती है, ड्रेस कोड अलग पार्ट है, ड्रेस कोड तो हम जिसमें डिपार्ट को इसका बात का जी आपके पास आएंगे सर हुसैन खान जी से जानते, केवल बात करना जी। जी हुसैन जी, किसी भी ऐसे विषयों को बात के बतंगड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो समाज के लोगों को एक बात करनी चाहिए,
कि अगर ड्रेस कोड की बात करते हैं तो ठीक बात है, जैसे भी नियम कायदे स्कूल के होते हैं हम फॉलो अप करेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। हमारी बच्चियों की शिक्षा का स्तर ऊपर कैसे हो, इसमें जो है समाज को आगे आने की आवश्यकता है। किस तरीके से बच्चियां देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आगे आए, उसके अंदर में आपको आगे आना चाहिए। जब एक महिला पढ़ती है, बच्ची पढ़ती है, तो पूरा परिवार पढ़ता है। बिल्कुल। और जब पूरा परिवार पढ़ता है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि जो है महिलाओं द्वारा एक परिवार को दी जाती है। अब आप ये कहते हो कि साहब एक हजाब हजाब की बात, और हम ये कहते हैं ये इश्यू है ही नहीं। समाज को तो यह कहना चाहिए कि हम माननीय बाल मुकुंदाचार्य से निवेदन करेंगे कि इस स्कूल में ड्रेस कोड आप चाहते हैं तो हम लाएंगे, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन इस स्कूल में अगर कंप्यूटर नहीं है तो वो आना चाहिए। स्कूल के अंदर में स्पोर्ट की सुविधाएं हैं वो आनी चाहिए। स्कूल के अंदर में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है विश्व के अंदर में, आज विश्व कहां तक पहुंचा पर बात करने की ठीक है। हुसैन खान जी, ठीक है, पुरुष जी जी जी, ग्लिच दूर कर दिया गया सर, आप बोल सकते हैं जी। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो भारत देश है ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें हर राज्य में और हर राज्य के हर जिले में अलग अलग संस्कृति है और अलग अलग कल्चर है, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, चाहे वो भाषाई आधार पर हो, चाहे वो और किसी आधार पर हो। देखिए संविधान जो है, हमारा देश का जो संविधान है, उसने हर देश, हर जाति को, हर धर्म को और हर समुदाय को अपने अपने जो उसके जो रीति रिवाज है उसको पालना करने की छूट दी हुई है। अब अपन बात करते हैं आज वाले मैटर पे, जो आज वाला मैटर हुआ। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप देखिए, मतलब एक फिल्मों के अंदर एक जो फिल्में बनती है उनमें एक होता है कि उनका एक तरीका होता है कि उनमें सामाजिक संदेश जाना चाहिए, परंतु जब किसी फिल्म में एक अच्छी स्टोरी का अभाव होता है तो उसके अंदर जो होता है वो मारधार का और सेक्स का तड़का डाला जाता है। ये सेम हिसाब जो होता है वो राजनीति में होता है। जब आपके पास विकास के मुद्दे नहीं होते, जब आपके पास बोलने के लिए शिक्षा पे कुछ नहीं होता, जब आपके पास बोलने के लिए रोजगार पे कुछ नहीं होता, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं होती करने को, जब आपके पास स्वास्थ्य पे करने को कोई बात नहीं होती, तो आप जो होती है आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप राजनीति में धर्म का तड़का लेकर के आते हैं और आप अपने सामने वाले धर्म पे अटैक करते हैं। सेम इसी पैटर्न में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्ष से कार्य कर रही है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, जैसे अभी बड़े भाई पप्पू कुरेशी जी जो कह रहे थे, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे जो हवामहल के विधायक है बाली मुकुंदाचार्य जी, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जब ये विधायक नहीं बने उससे पहले इन्होंने यहाँ पर आकर के जिस प्रकार से जो काम किया, काम करने में बुराई नहीं होती, पर आप सिर्फ एक धार्मिक आधार पर काम करें, आप एक सामाजिक व्यक्ति के नाते काम करिए ना, कौन मना कर रहा है, आप जाइए। और आप आज वाली बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा अच्छा होता कि आज जाकर के वो स्कूल में पूछते कि बच्चियों से पूछते, बच्चियों आप मुस्लिम बच्चियों आप बताओ कि आप और हिंदू बच्चियों में कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, आपकी पढ़ाई का स्तर क्या है, वो जानकारी लेते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, स्कूल के मैडम से पूछते हैं, बोले मैडम बताइए कोई स्कूल में कोई वाटर कूलर की कमी हो या कोई किसी पंखे की कमी हो या फिर अन्य किसी प्रकार के संसाधन आपको चाहिए तो मैं सरकार से उपलब्ध कराऊं या फिर मैं विधायक कोष से मैं आपको दे दूं, उन्होंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की। आप देखेंगे कल परसों जब वो विधानसभा में बोल रहे थे और उस समय माननीय स्पीकर महोदय ने उनको टोका कि उन्होंने विधानसभा में जो नोटिस दिया अपनी बात कहने के लिए, वहां पे उन्होंने पर्ची में दूसरी चीज लिखी हुई थी, और जब वे यहाँ पे जाके लोकल मुद्दों पे बोलने लगे तो माननीय स्पीकर महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है उन्होंने उनको टोका कि माननीय विधायक महोदय आप क्या बोल रहे हैं, आपने यहाँ पे नोटिस तो विधानसभा में दूसरी चीज का दिया है और आप जो है आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए आप जो बात करना चाह रहे हैं धार्मिक आधार पे कि भाई हिजाब हटना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि हिजाब नहीं लगाने का कोई कानून है क्या, और अगर नहीं लगाने का कानून है तो उसकी पालना कराने का काम प्रशासन का है, और अगर आप ऐसा चाहते हैं हम हो सकता है 1% आपकी बात सहमत हो जाए कि आप चाहते हैं हिजाब नहीं होना चाहिए, तो आप ये आप माननीय विधायक है आपको ये सुझाव पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए सार्वजनिक तौर पर नहीं कहनी चाहिए आपको बात, ये आपको जाकर के अपनी सरकार के मुख्यमंत्री से कहना चाहिए आपको जाकर के कि मुख्यमंत्री जी मैं किसी विधायक विद्यालय में गया था वहां पे मुझे बच्चों में ऐसा मानता लगी और ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान देकर के प्रोपेगेंडा रचा। दूसरी बात है विधायक महोदय की, इस बात को कहना चाहूंगा, विधायक महोदय को मैं सुन रहा था आपके स्क्रीन पे, विधायक महोदय कह रहे थे कि भाई मैं जय श्री राम बोलूं ये मेरी आजादी है, बिल्कुल है, मैं भी जय श्री राम बोलता हूं, मैं भी लोगों से मिलता हूं, मैं भी अभिवादन बोलता हूं, बिल्कुल ये मेरी धार्मिक आजादी है, तो जैसे मुझे मेरी संविधान ने मेरी धार्मिक आजादी का पालन करने की स्वतंत्रता दी है, तो उसी प्रकार अन्य धर्म के लोगों को स्वतंत्रता दी है कि वो किसकी जय बोले और किसकी जय नहीं बोले, आप ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं। मैं माननीय विधायक महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप अगर किसी मस्जिद के प्रोग्राम में जाएंगे और वहां पे आप यदि आपको कहा जाएगा कि भाई आप अल्लाह अकबर बोलिए या फिर जो नारा तकबीर या जो भी इस्लामिक जो नारे होते हैं या फिर जो अभिवादन होते हैं वो अगर आप बोलिए और अगर विधायक महोदय उसको बोलने से मना करते तो क्या गलत है।
तो इस तरह की प्रश्न उठाना ही बिल्कुल मैं समझता हूँ सरासर बिल्कुल ये चीजें गलत है। आपको आप जनप्रतिनिधि हैं माना आप है ना एक धर्मगुरु से आप धर्मगुरु भी आप धर्म से भी ताल्लुक रखते हैं तो मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर धर्मगुरु हैं तो आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ जाती है। धर्मगुरु के नाते भी आपके पास जिम्मेदारी आती है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते भी जिम्मेदारी आती है और आप उस धर्म के धर्मगुरु है कि जहाँ पे कहा गया है कि आयम निजम परवेती गणना से क्षेत्र वसुदेव कुटुंब सम ये पूरा संसार हमारा कुटुंब है जी पप्पू जी ठीक है पड़ोसी हमने आपको सुना पप्पू कुरेशी जी कुछ कहना चाहते हैं उनसे सुन लेते हैं मैं पूरे विश्व के राम है ठीक है पड़ोसी ठीक है मैं कहना चाहता हूँ जी सिख के भी राम ईसाई के भी है ठीक है क्यों बीजेपी के वोटों पे सीमित रखना चाहते हैं पूछना चाहूंगा ठीक है पप्पू कुरेशी जी मैं कहना चाहता हूँ मैम के बाल मुकुंद आचार्य जी एक विधायक है और उनकी गरिमा ये है कि आज हवा महल विधानसभा में जो 2.5 लाख वोटर्स हैं वो 2.5 लाख जनता के विधायक हैं विशेष किसी भी एक समुदाय के विधायक नहीं है उनको सबकी बात करनी चाहिए। आप उनकी शुरू से लेकर आज तक स्पीच सुन लो कि उनकी हर भाषा में विशेष समुदाय और मुस्लिमों को टारगेट करने की बोली रहती है जिससे कहीं ना कहीं ये कथित भी होता है कि हमारा जो सौहार्द और भाईचारा बना हुआ है शहर का उसको ये बिगाड़ने में लगे हुए हैं और आज भी इन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया है स्कूल में जाकर शिक्षा की जगह हिंदू मुस्लिम हिजाब इन चीज पे बात किसी मुस्लिम ने जाकर नहीं की वहां रफीक खान ने जाकर नहीं की वहां आमिन कागजी ने पप्पू कुरेशी ने जाकर नहीं की इन्होंने जाकर की है। अभी जैसे पुरुष जी ने बताया कि अगर वहां कुछ गलत लग रहा था उनको तो उसका उसकी आप रिपोर्टिंग करो ना ऊपर और उसमें सुधार करो आप वहां जाकर के ये मालूम करो कि कोई बच्ची बच्ची के साथ भेदभाव नहीं हो रहा हो बहुत बढ़िया बात पुरुष जी ने की। आप वहां जाके मालूम करो कोई शिक्षा से महरूम तो नहीं रह रहा हो किसी को अनदेखा तो नहीं किया जा रहा हो किसी के साथ भेदभाव कोई जाति पे समुदाय के अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा हो। आप सबके विधायक हो आप चुनाव जीतने के बाद हम सबके विधायक हो लेकिन आपकी हर भाषा में विशेष समुदाय और मुस्लिम जो रहता है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जयपुर का वातावरण और सौहार्द बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। ठीक है हुसैन खान जी पप्पू कुरेशी जी का कहना है कि जानबूझकर बाल मुकुंद आचार्य एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं आप क्या कहेंगे सर? देखो ऐसा है एक किसी भी बात को बतंगड़ बनाना चाहे वो भारद्वाज जी कह रहे हैं या पप्पू कुरेशी जी ये इनका एक रीति रिवाज सा बन गया है कि आप अगर एक कोई भी बाल बनाते हैं तो बाल का आप पहाड़ बनाने का प्रयास करते हैं। हम ये कहते हैं जैसे अभी भारद्वाज जी कह रहे थे कि बच्चों की शिक्षा की बात करनी चाहिए अगर हम राजस्थान में पिछली सरकार में जाएंगे माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी सबसे ज़्यादा बच्चों के स्कूलों में चाहे वो मदरसे हैं चाहे मुस्लिम बच्चियों की स्कूलें हैं वहाँ कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ की गई भारतीय जनता पार्टी की जब राज्य में सरकार थी ये सबसे पहले काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था बच्चों को खेलने के लिए चाहे वो फुटबॉल हो क्रिकेट हो वो ग्राउंड तैयार किए गए और लगातार मॉनिटरिंग की जाती थी मदरसा बोर्ड हो चाहे मेन हमारा शिक्षा विभाग हो उसके द्वारा कि उनको उचित शिक्षा मिले टेक्निकल शिक्षा मिले खेलने के उनके पूरे पूरे सुविधा उनकी हो और वो बच्चे आगे बढ़े ये केवल और केवल ये दिमाग में हुआ करती थी। लेकिन जब चूंकि कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने जितने भी वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में एक भी वादा इन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए जो किया था पूरा नहीं किया। ठीक है यही तो कारण है कि आज राजस्थान के अंदर में जितनी भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वो मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई है। अगर ये कुछ काम किया होता इन्होंने तो वो सीटें निश्चित रूप से कांग्रेस के पास जाती लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और अल्पसंख्यक समाज ने इनको सबक सिखाया और आज भारतीय जनता पार्टी की शानदार सरकार राजस्थान में बनी। जब हम चलते हैं केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में चाहे अलग से अभियान चलाया गया होगा अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए या जो मुख्य योजनाएं हैं उनमें इनको फायदा मिला होगा
सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज की बहनों को फायदा मिला, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को फायदा मिला। हमारे पास आंकड़े हैं सर, मुद्दा यह है नहीं, जब मुद्दा यह है कि किसके सरकार में इसको फायदा मिला, मुद्दा यह है कि आप इसको, मुद्दा यह है कि आप हर चीज में मुसलमान करते हो, राजनीति करना चाह रहे हो, मुद्दा यह है कि आप राजनीति में, मुद्दा यह नहीं है किसकी सरकार में किसको कितना। लेकिन हुसैन खान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या स्कूल में यूनिफॉर्म में हिजाब होना चाहिए? हुसैन खान जी, आप बच्चों को बरकलाने का काम करते हैं, उनकी शिक्षा की बात नहीं करते आप, ठीक है, उनकी उच्च शिक्षा की बात नहीं करते, उनके रोजगार की बात नहीं करते। आज भारत के अंदर में जितना ड्रॉप आउट बच्चियों का है वो कैसे ठीक हो, ड्रॉप आउट, हमने अभी तक, ड्रॉप आउट कम हो, हमने अभी तक ये नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार ने काम नहीं करी, तो अभी तो बीजेपी सरकार बनी है, आगे देखते हैं काम क्या करती है, किस तरीके से, मुद्दा ये है नहीं कि किसके लिए किस सरकार ने कितना काम किया, आपके विचार ये है, मुद्दा ये है कि जयपुर का सोहरा भाईचारा आपका बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, एजेंडा है भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस देश के अंदर में आजादी के बाद में, मैं आपको बताऊं जितनी समस्याएं अल्पसंख्यक समाज को हुई कांग्रेस के राज में, इतिहास सामने पड़ा हुआ है। जब देश आजाद हुआ था अल्पसंख्यक समाज की रोजगार में जो भागीदारी थी वो 33% थी, इस कांग्रेस ने, इस कांग्रेस ने धीरे धीरे वो हालात पैदा किए कि आज 2% है, ये कांग्रेस के राज में हुआ, ठीक है हुसैन खान जी, केवल और केवल, ठीक है ठीक है ठीक है, पुरुष भारद्वाज जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी सुन लेते हैं, ठीक है हुसैन खान जी, बहुत समय आपको दिया, समाज ठीक है, ठीक है हुसैन खान जी, ठीक है, तो हम भी जय श्री राम बोलते हैं, हम भी राम राम बोलते हैं, हम भी जय सीताराम बोलते हैं आपको बच्चों, लेकिन हर चीज में आपको इनका जय श्री राम बोलने में भी राजनीति है, बदलाव लाना पड़ेगा, इनका जय श्री राम बोलने में भी आगे हो, वैसे यहाँ से मन से बोलो जय श्री राम, आप इन छोटी छोटी बातों से अपने राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं कि हम पार्षद कैसे बन जाए, हम विधायक कैसे बन जाए, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बन जाए, आपके तो ये प्लान रहते हैं कि आज जो बीज बोएंगे उसका फायदा हमें चुनाव में मिल जाएगा, आप इन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है ठीक है हुसैन खान जी, हमने सुना आपका बयान सर, पुरुष भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे थे काफी समय से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है हुसैन खान जी, ठीक है पप्पू कुरैशी जी, मैं आऊंगी आपके पास, पुरुष भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत समय से, देखें ऐसा है, ठीक है, हमारे पास आज देश में प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाए 12 करोड़, उसमें 4 करोड़ शौचालय अल्पसंख्यक समाज की बस्तियों में बढ़े, वो फायदा किसको हुआ, हमारी बच्चियों को, और बेरोजगार नहीं करेंगे, बेरोजगार कितने हो गए, अरे उसकी बात नहीं करेंगे, अगर देश में 4 करोड़ घर वितरण किए गए, अरे ठीक है मिली, ये उसकी बात, हुसैन खान जी बहुत समय आपको दिया सर, पुरुष भारद्वाज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है हुसैन खान जी, ठीक है उसकी ये बात नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है, पुरुष भारद्वाज जी मैं देख रही थी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, देखिए कांची जी मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हुसैन भाई हैं जो ये कह रहे थे इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज को ये फायदे दिए, मैं इस बात को इनसे पूछना चाहूंगा कि शिक्षा की आप जब बात करते हैं तो आप शिक्षा के साथ साथ में राजनीति की भी बात करनी है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संसद में तो कितने मुस्लिम सांसद हैं और राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आपने कितने लोगों को विधानसभा में भेजा, यदि आपका जवाब जीरो आता है तो निश्चित तौर पर हुसैन खान साहब को अपने खुद के भारतीय जनता पार्टी में रहने पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हाथी के दांत खाने के और जो दिखाने के और जो लोकोक्ति होती है निश्चित तौर पे आप लोग उसका बिल्कुल उसका मुजाहरा पेश करते हैं, उसका एक उदाहरण पेश करते हैं, देखिए आज वाली जो डिबेट है यही आपका मुद्दा है, आप लोग ये चाहते थे कि ऐसी घटना घटे और टीवी चैनलों पर डिबेट हो ताकि आप ध्रुवीकरण कर सके, ताकि जो देश की जनता है वो राजनीति जो है उसको, लेकिन पुरुष भारद्वाज जी अगर ऐसा है तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने छात्राओं को समर्थन क्यों दिया सर जाके, नहीं नहीं देखिए अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस के नेताओं ने छात्राओं को समर्थन क्यों दिया, गलत बात देखिए पप्पू कुरैशी जी मैं आऊंगी सर आपके पास, पप्पू कुरैशी जी मैं आऊंगी जी पुरुष कांग्रेस पार्टी जो है वो देश के हर उस नागरिक के साथ खड़ी हुई है कि जिसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ,
यदि किसी दूसरे पक्ष के साथ में भी कुछ घटना घटती है तो निश्चित तौर पर यदि वो गलत घटती है तो कांग्रेस पार्टी वहां पर भी साथ में खड़ी है। मैं आपसे इस बात को, जैसा कि मैंने अपने पहले मैंने आपसे बात की, मैं आपसे इस बात को पुनः कहना चाहूंगा कि विधायक जब वहां पर गए तो विधायक महोदय ने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी क्यों नहीं ली कि भाई यहाँ पे आपके पास स्कूल के फर्नीचर में कोई कमी तो नहीं है, आपके पास कोई किसी की विधायक ब्लैक बोर्ड की कमी तो नहीं है, आपके पास कंप्यूटर्स की कमी तो नहीं है। आप आकर के आप जो है आप सीधा वो मुद्दा उठाना चाह रहे हैं कि जिसमें एक विवाद पैदा होता हो, जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा होता हो, जिसमें तनाव पैदा होता हो, और खास करके उस विधानसभा क्षेत्र में कि जहां पर दोनों समुदायों के नागरिकों की और वोटरों की संख्या लगभग बराबर है। और साथ ही इस बात को और कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो राजनीति है, आप सत्ता हासिल कर सकते हैं परंतु आप देश को एक बहुत बड़ी आग में झोंक रहे हैं, इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। और देश के नागरिकों से मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर आप इनके मुद्दों पर ध्यान देते हैं तो साथ ही साथ रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर से अपना ध्यान मत हटाइएगा। यदि आपने इन मुद्दों पर से ध्यान हटा करके सिर्फ धर्म केंद्रित राजनीति अपना ध्यान लगा दिया तो भारत की स्थिति वही होगी जो आज हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और श्रीलंका की हुई पड़ी है। मैं इस बात पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता कि जब कांग्रेस ने सरकार 2014 के जब 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा छोड़ के गई थी, वो कर्जा 205 लाख करोड़ रुपए का कैसे बन गया, इस बात पर चर्चा क्यों नहीं करता कोई भी? इसलिए नहीं करता क्योंकि ये लोग इस बात को जानते हैं कि धर्म जो होती है वो हर आदमी की कुंजी होती है, होती है। धार्मिक मुद्दे छेड़ो, लोगों का सारा ध्यान आप मान ले आओ और उसके बाद में सारे आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा। मैं पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, आपको 10 साल हो गए 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष की, 20 करोड़ रोजगार बताएंगे आपने दिए नहीं दिए? 20 करोड़ छोड़िए, 2 करोड़ रोजगार दिया आपने, आपने नहीं दिए 2 करोड़ रोजगार। आपकी जो सारी राजनीति है वो सिर्फ धर्म आधारित राजनीति है, देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। और मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा हुसैन साहब, ये जब आग लगती है तो सब जज में आते हैं, ये आप लोग इस तरीके से रुक कर लेते हैं तो आप अलग से तैयार के आप भी तैयारिए। मैं बीजेपी के से पूछना चाहता हूँ, आप जब कोरोना काल में पूरा पूरे विश्व के देश 4 दिन पहले आर्थिक स्थिति जीरो तक पहुंच गई, विधानसभा में विधानसभा में भारत के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री आचार्य जी ने बोला है विश्व पर प्रधानमंत्री जी समुदाय के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। 225 करोड़ वैक्सीन फ्री दिए गए जिसमें फायदा 33% अल्पसंख्यक को हुआ, बात मत करना, वो बात मत। ठीक है हुसैन खान जी, ठीक है पप्पू कुरैशी जी, जब 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के अंदर में उनके घर पर अनाज पहुंचाया गया, वो आप बात मत करना, उनके खातों में जनधन खातों में पैसे ट्रांसफर किए, वो बात मत करना। अरे इस देश को इस बड़ी मुसीबत से निकाल करके प्रधानमंत्री 2014 में आज विश्व के देश ये निकला था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पप्पू कुरैशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, कि हमारा तो यूरोप और अमेरिका, ठीक है हुसैन खान जी, ठीक है पुरुष भारद्वाज जी, ठीक है ये देश जी। पप्पू कुरैशी जी का रुक कर लेते हैं सर, हमारे पास समय की कमी है। ये प्रधानमंत्री जी की तो पॉलिसी, मैं कहना चाहता हूँ जी पप्पू कुरैशी जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूंगा क्योंकि हम पे एलिगेशन लगता है हमेशा कि हम कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये महोदय बैठे हुए हैं बीजेपी के वक्ता, इनसे पूछना चाहता हूँ, 4 दिन पहले बाल मुकुंद आचार्य जी ने कहा है कि जयपुर शहर के परकोटे के अंदर विशेष समुदाय के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, ये प्रमाणित, या तो ये प्रमाण करके बताएं विशेष समुदाय के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, और नहीं हम ये प्रमाणित करके बताएं कि विशेष समाज के लोग नहीं, जितने भी गरीब खुदरा व्यापारी हैं, वो जैन हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब अतिक्रमण करके खुदरा व्यापार कर रहे हैं। तो ये पर्सनल विशेष समुदाय को मुस्लिम को टारगेट करते हैं, ये क्या वजह, मुझे पता नहीं है ये क्या बात कर रहे हैं, किसने क्या लाभ, किसको लाभ पहुंचाया, कौन विकास करा रहा है, कौन देश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ रहा है। मुद्दा हमारा टॉपिक आज ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि बदनाम हमें किया जाता है और आग ये लगाते हैं, माचिस की तिल्ली ये लगाते हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए, देश का स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए, हमारा भाईचारा खराब करने के लिए ये राजनीति करते हैं, ये आग लगाते हैं। हमारा आज का मुद्दा सर हिजाब पर विवाद है कि परकोटे के अंदर क्या विशेष समुदाय के लोग बैठे हैं, किसी तरीके से कोई न कोई छोटी छोटी बात बड़ी बड़ा रूप और हम हमारी राजनीतिक रोटियां सेके, आप तो इन कामों में लगे रहते हैं।
आप क्यों देखेंगे कि जब हमारी पहले राज्य इनसे पूछो इनसे पूछो कितने काम किए हुसैन साहब जी कुछ सवाल आप हुसैन साहब जी पप्पू कुरैशी जी सीधे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं उसका जवाब दे दीजिए क्या गिना रहे हैं नहीं गिना रहे हैं कोई मतलब नहीं हर चीज में विशेष समुदाय मतलब नहीं है क्योंकि आप प्रत्येक काम के अंदर में राजनीति करना चाहते हैं लगता है इनकी रोजी रोटी अगर आप लगता है नहीं है परमाणु जाएंगे रोजी रोटी तो समाज शिक्षित और समाज समझदार बनेगा और आपकी नेतागिरी आगे चल नहीं सकती आप उनको यही तो बात है गरीब लोग यही तो बात है आप अपनी राजनीतिक रोटियां छोड़ने के लिए उन्हें छोटी बात का बतंग बनाने का प्रयास जगह को व्यापार करने की आवश्यकता लोगों को हटाने का आप ये सोचे और वो भी अल्पसंख्यक समाज व्यापार में कैसे आ गया है वो भी विशेष अल्पसंख्यक समाज किस तरीके से शिक्षित बने अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं किस तरीके से आर्म फोर्स में जाए और किस तरीके से वो टेक्निक बने वो आप बात का विषय पर कोई चर्चा नहीं करेंगे आप तो चर्चा ऐसे विषयों पर करेंगे जिसमें उन आपकी राजनीति की रोटियां सिक सके और आपका आने हुसैन जी सरकार हुसैन जी आज का हमारा विषय है जात पर विवाद हो रहा है हुसैन जी जी पड़ोसी हुसैन जी आज का हमारा मुद्दा है हिजाब पर जो विवाद चल रहा है वो आज का हमारा मुद्दा है सर इधर उधर की बातें कृपया ना करें तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि स्कूलों में हिजाब कितना वाजिब है मेरा यही सवाल है एक लाइन में मुझे जवाब दे दीजिए हुसैन जी देखें स्कूलों के अपने अपने नियम कायदे होते हैं सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो कितना वाजिब है सरकारी स्कूलों की बात करें तो हुसैन देखें चाहे चाहे सरकारी स्कूल में है तो सरकार नियम कायदे बनाती है उनको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है इसमें क्या बात है इसलिए चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल उनके अपने अपने ड्रेस कोड होते हैं और वो ड्रेस सब बच्चों को पहनना चाहिए और सब बच्चे हैं एक तरीके की पढ़ाई वहां पर करें पढ़ाई में कोई भेदभाव की बात नहीं करता बात तो केवल ड्रेस कोड की है तो ड्रेस कोड में जिस तरीके की स्कूल के सरकार के नियम कायदे सबको फॉलो करने पड़ेंगे पप्पू कुरैशी जी मैं आऊंगी सर आपके पास जो है एक बहस का इश्यू नहीं बनाया जाना चाहिए हिजाब को बंद करने वाले ये देखो हिजाब को कोई मना नहीं कर रहा है हिजाब को कोई बंद नहीं कर रहा है हम बात स्कूलों की कर रहे हैं आप इसको भटकाओ मत हमने हिजाब को बंद करने की बात नहीं कही जी हम ये कहते हैं कि स्कूलों में अगर कोई स्कूल में ड्रेस कोड है तो वो ड्रेस कोड हमें फॉलो करना है और बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से अच्छी हो किस तरीके से वो टेक्निकल बने शिक्षा के अंदर में जो है गुणवत्ता किस तरीके से लाई जाए उन बातों में हमें बहस करने की आवश्यकता है तो अब आप अगर इस तरीके से इस विषय को इतना बड़ा बना देंगे राजनीतिक रूप दे देंगे तो ये आवश्यकता है ही नहीं ठीक है मैडम इसे बड़ा किन्ने बनाया है पप्पू कुरैशी जी आप क्या कहना चाहते हैं सर जल्दी से अपनी बात रखिए हमारे पास समय की भी कमी है विधायक जी ने केवल ये कहा कि स्कूल में मैं ड्रेस कोड होना चाहिए अगर बच्चे एक जैसी ड्रेस पहनते हैं अच्छा लगता है अपनी बात का आपने बतंगड़ बनाने का प्रयास किया ये बात बतंगड़ बनाने वाली है कि आप विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी की शुरू से देख लो आप जब उनको विधानसभा चुनाव के बाद में उन्होंने शपथ भी नहीं ली शपथ भी नहीं किया उन्होंने और तुरंत भाला उठा के वो अपने चल दिए और पीछे उन्होंने अपने जो है कार्यकर्ता ले लिए ठीक है यूनिफॉर्म का मतलब मैं आपको बता देती हूँ सर मैं खुद एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी पप्पू कुरैशी जी मैं खुद एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ सर रोजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसमें भी हमारे क्रिश्चियन टीचर्स होते थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने क्रिश्चियंस का पहनावा पहन के आते थे तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनडिफ्रिशिएटेड तो इसका मतलब ये होता है तो हर स्कूल में इसी तरह का नियम लागू होना चाहिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए तो हिजाब पर अब विवाद एक बार फिर से राजस्थान में उठता नजर आ रहा है और बड़ी बहस में आपके सामने नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान नमस्कार